चुनावी साल को देखते हुए जिस बात की उम्मीद मोदी सरकार से इस अंतरिम बजट में की जा रही थी वही हुआ। मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट के जरिए नौकरी पेशा मिडिल क्लास वर्ग, पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। बजट पेश कर रहे कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स स्लैब की छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया है। हालांकि जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा है वे इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनकम टैक्स छूट पर ऐलान के बाद लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगे। मेन टैक्स प्रपोजल्स विल बी प्रेजेंटेड इन द रेगुलर बजट। स्मॉल टैक्स पेयर्स स्पेशली द मिडिल क्लास, सैलरी अर्नर्स, पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन्स need certainty in their minds at the beginning of the year about their taxes. Therefore, proposals particularly relating to such class of persons should not wait. Hence, while the for the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also, I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. इसका मतलब साफ है कि 5 लाख तक कमाने वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही अगर आपने ATC के तहत सेविंग इंस्ट्रूमेंट में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाया है तो आपको 6.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगा। इसका मतलब है कि 54,000 प्रति माह कमाने वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा। इससे देश के मिडिल क्लास वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले की आर्थिक विश्लेषक भी काफी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने जो छक्के लगाए हैं किसानों को खुश किया है, और सबसे बड़ा छक्का जो हर आदमी तक जा रहा है, जो सैलरीड तक जा रहा है, वो जो 2.5 लाख रुपए की छूट की लिमिट थी वो उन्होंने डबल कर दी 5 लाख तक। तो इसके थ्रू अब यही है कि उन्होंने जो छक्का लगाना था वो लगा दिया। लिमिट बहुत दिनों से, बहुत समय से ये 2.5 लाख चल रहा था, तो हर आदमी को ये लग रहा था कि इसको बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख का सबसे बड़ा छक्का इस बजट का यही होगा कि जो छूट की सीमा 2.5 लाख से 5 लाख की है, जो जन जन तक, हर रोजगार व्यक्ति तक, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, निजी हो, उसको मिलेगी और ये पूरे 125 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। आयकर छूट में सोने पर सुहागा का काम करेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में बढ़ोतरी का फैसला। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। इतना ही नहीं, बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर 10,000 की जगह अब 40,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है। साथ ही रेंटल इनकम पर TDS की सीमा को 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपए किया गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में पेश किए गए बजटों को मोटे तौर पर देखा जाए तो सरकार ने 2014 के बाद से टैक्स स्लैब में कोई खास बदलाव नहीं किया, जिससे मध्यम वर्ग खासा नाराज चल रहा था। चुनावी साल के आखिरी बजट की वजह से जनता सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, लिहाजा टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने जनता को नाउम्मीद नहीं किया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।